हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो आमतौर पर हर घर में रोज इस्तेमाल किया जाता है, आज हम बनाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जिसे आप महीने तक यूज कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन 100 ग्राम, अदरक 100 ग्राम, हरी मिर्चें 10 से 12। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन दोनों बराबर मात्रा में लिया है। आप अपनी पसंद से इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुनगुना सरसों का तेल 1 टेबलस्पून। सबसे पहले लहसुन की कलियों को एक कटोरी में गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। ऐसा करने से इसकी बाहर की स्किन आराम से निकल जाएगी। इसी तरह से लहसुन की स्किन को निकाल लें। अब अदरक लें और उसको अच्छे से धोकर उसकी बाहर की स्किन निकाल लें। आप इसकी स्किन को फेंकें ना, चाय बनाते वक्त इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख दें। अब अदरक को पीसेज में कट कर लें। एक ग्राइंडर जार लें, इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डालें। इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लें। अब इसे कटोरी में निकाल लें। तेल लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस पेस्ट को आप एक महीने तक यूज़ कर सकते हैं। एक एयरटाइट ग्लास बॉटल या फिर जार लें, इसमें ये पेस्ट डाल दें। इसे लंबे समय तक यूज़ करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर में रख दें। इस पेस्ट को दाल या फिर सब्जियां बनाते वक्त यूज़ करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें तो ये पेस्ट आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।